अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हजरात, जेजेसी फूड की तरफ से आपका होस्ट जवाद जावेद चौधरी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में सुना है कि एक खैबर शनवारी के नाम से रेस्टोरेंट है जो काफ़ी फेमस है और वो डेली के कोई 80 तुम्बे जो है सेल कर देते हैं। तो अभी चलते हैं, रस्ते से बिग मैन को भी पिक करते हैं और देखते हैं कि उनका जायका वगैरह कैसा है जो डेली के वो 80 तुम्बे सेल कर देते हैं। तो अभी चलते हैं और हम भी उनका टेस्ट चेक करते हैं। पानी? हाँ, अभी तो नमक डालते हैं। अच्छा चले, ठीक है। ये हो गई नमक। अभी इसके बाद के बाद वो मसाला कौन मसाला जाता है इसमें? इसमें कोई मसाला जाता नहीं है, सिर्फ टमाटर और मिर्च होता है। शिमारी यस सब्ज मिर्च, हाँ सब्ज और कुछ भी नहीं है। तकरीबन इस पर 40 मिनट लग जाए, आधे घंटा 40 मिनट। अभी हमने ऑर्डर दिया है हैबर शनवारी पे, तो भूख लगी हुई थी, इंतज़ार नहीं था। हमने कहा चलो मार्केट को रिविज़िट करते हैं। तो यहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ है, सिर्फ काबली पुलाव है इनके पास। तो हमने कहा चलो काबली पुलाव खा लेते हैं। उन्होंने कहा कि हमें प्लेट एक बना दें लेकिन उन्होंने कहा कि सारा सेल हो गया। काफ़ी अभी इनके पास वो देखा जो है ना फुल है, लेकिन वो सारा उसकी प्री बुकिंग हो चुकी है, वो सेल हो चुका है। ये उनका प्यार है, ये थोड़ा सा उन्होंने कहा कि चले आप टेस्ट कर लें। ला करते हैं। 40 मिनट बहुत ज़्यादा लग रहे थे, भूख बड़ी सख्त लग रही थी। यार बहुत ज़्यादा मज़ेदार, मज़ेदार। और यहाँ पे अगर आके खाना हो तो 11:30 से पहले पहले आ। ये नहीं तो अभी 12:30 बैठने की जगह नहीं है, सिर्फ पार्सल है। 12:30 में हम आए, हम तो वैसे ही घूमते घूमते आए लेकिन ये सारा सेल हो चुका है। वैसे हैबर शनवारी वाली रोड पर है, साथ ही है उसके, आप आएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। और दो निवाले लेने के बाद पता चला कि सेल होने की वजह क्या है। हाँ बहुत मज़े, बहुत ही मज़े का, ज़बरदस्त चीज़ है। मेरी तो से ज़्यादा, वैसे मुझे ना पुलाव इतना पसंद नहीं है लेकिन ये ज़बरदस्त चीज़ है। और सही मेवे भी ऊपर जो है ना काफ़ी मकदार में डाले हैं। वैसे ज़्यादा काफ़ी पुलाव लो तो थोड़ा सा डाल के देते हैं ऊपर, सही है। लेकिन ये पूरा जो है ना मेवे से भरा हुआ है, भरा हुआ है, सही है। चलें हम ये खाते हैं तब तक हमारा ऑर्डर भी लग जाएगा। अच्छा जी, हमारे टिक्के आ गए हैं और कढ़ाई अभी तैयार हो गया, तो हमने कहा आपके टिक्के तैयार हैं तो आप टिक्के तब तक खाएं। टिक्कों से शुरू हम भी खाएं, आप भी हमारे साथ खाएं। तो ये चाँप है क्योंकि ग्रिल में मुझे जो है ना चाप पसंद है, इसका टेस्ट जो है ना अच्छा होता है। ये जवाद भाई की रिकमेंडेशन पे ली है हमने, तो अभी देखते हैं। बहुत मज़े की है, जिस तरह नसार की रेसिपी हमने खाई थी उसी तरह की है, उसी तरह की है। ताकि इनकी रेसिपी सेम होती है, सिर्फ नमक लगाते हैं। रेसिपी सेम है, वो भी सिर्फ नमक में बना रहे थे, ग्रिल कर रहे थे और इन्होंने भी सिर्फ नमक लगाया। ज़बरदस्त कढ़ाई भी हमारी आ गई, इसको रायते के साथ चेक करते हैं। मैंने कर ली थी, वो मज़े की चीज़ है, मज़ा आ गया। हम जब आए ना हम परेशान हो गए कि उन्होंने इसमें 80 तुम्बे जो है ना डेली के चलते हैं, तो रश नहीं था। तो हमसे उनसे पूछा तो ये कह रहे हैं कि हमारा शाम को होता है, अब शाम को है। लेकिन शाम को हमने वापस जाना था,
लेट हो जाते हैं, तो इस वजह से हमने कहा हमारा ऑर्डर आप लगाएं। हमने टेस्ट ही देखना, कौन हमने ऐसी तुम्बे गिनने हैं, आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन टेस्ट मजे का। अभी इकराई की तरफ चलते हैं, टेस्ट मजे का। और यहाँ का अभी तक का माहौल, अभी इनकी ओपनिंग भी सही से नहीं हुई, अभी इकड़ाइयाँ वगैरह लगना शुरू हो रही हैं, देख कर लग रहा है कि वाकई अस्सी यहाँ पे सेल हो, क्योंकि दोनों तरफ इनका फ्रंट है, उस तरफ भी तुम्बे लगे हुए हैं, इस तरफ भी तुम्बे लगे हुए हैं। हाँ, ये G94 में आपके लिए जो स्ट्रीट आएगी ना, उस तरफ से भी एंट्रेंस है, इस तरफ से भी है, और तुम्बे भी दोनों तरफ लगे हुए हैं। और एक बंदा हमने देखा था, वो प्री बुकिंग करके गया, उन्होंने रात को आना था, अभी वो ऑर्डर कर दिया। नान काफ़ी बड़ा और काफ़ी गर्म गर्म गर्म, तो अभी बिस्मिल्लाह करके कढ़ाई पे भी टूटते हैं, नान गर्म है, ऐसे साइड पर रखते हैं, कढ़ाई भी गर्म है, दोनों चीज़ें गर्म है। पहली बार मेरे ख्याल से हम गर्म खा रहे हैं। हाँ नहीं, तो अक्सर ठंडी में हमेशा ठंडा ही खाया, और आपके चक्कर में आपको बताते बताते चीज़ ठंडी हो जाती है। अब आप भी जो है ना वीडियो का तो लाइक कर ही दें, हाँ इतना तो बनता है हमारे लिए। स्टार्ट करते हैं, ओहो जबरदस्त यार। हाँ चसा हुई है, सच्ची चसा आ रही है, बहुत मज़े की कढ़ाई है। लेकिन इनका स्पेशल मसाले भी कुछ खास नहीं होते, सिर्फ नमक, टमाटर और सब्ज़ मिर्च होती है, सिंपल से अलावा और कोई मसाला नहीं डालते। असल में जानवर अच्छे होते हैं, और वो एडिबल ऑयल ही होता है, दूसरा ऑयल होता है, हाँ लाट वाला होता है, इस वजह से टेस्ट आता है। बहुत मज़े की कढ़ाई है जी, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू अहमद भाई। अहमद भाई आपकी रिकमेंडेशन बड़ी अच्छी रही है, ये आपके रूममेट हैं, बिल्कुल आपके। अहमद लास्ट टाइम हम आए तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जब वो जावेद पिशावरी जावेद पिशावरी की थी, हाँ उन्होंने कहा कि आपको जो है ना हैबर शनवारी जो है ट्राई करना चाहिए। तो अहमद भाई थम्स अप टू यू यार, बहुत अच्छी बहुत मजे की चीज़, हम मिस कर रहे हैं बिल्कुल, आपको हमारे साथ अभी होना चाहिए। चले नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आप मेरे साथ। अभी हम ये खाते हैं आराम से तसल्ली से, और आपसे लेते हैं हम इजाज़त, बिल्कुल अगर आप इजाज़त देना चाहें तो। चलें, आपने दे दिया इजाज़त, तो आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। ये खाते हैं, अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, मुझे पता है अभी तक आपने नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में हमें बताएं कि नेक्स्ट हम किस जगह पे जाएं। दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।